प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एक बार फिर एमपीसीए पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में एमपीसीए कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए और जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश सिंह यादव ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भ्रष्टाचार लगातार जारी है। उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध और गैर कानूनी रूप से एमपीसीए कमेटी का गठन कर रखा है, जिसका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है। समय बढ़ाने या चुनाव कराने की अनुमति भी रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से प्राप्त नहीं की है और आज तक कमेटी को सुचारू रूप से जारी रख रखा है। उन्होंने कहा है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का खेल लोढ़ा कमेटी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बीसीसीआई से मिले फंड का कोविड सहायता के नाम घोटाला एक बड़ा घोटाला किया गया है। एमपीसीए पर आरोप लगाया कि कबाड़ और भंगार घोटाले का भ्रष्टाचार और लूट की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमपीसीए में आजीवन सदस्य आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय को नहीं बनाया, 4 बार आवेदन एजीएम में अस्वीकार करके निरस्त कर दिया। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाया कि ऐसा कैसे मौका परस्त भाजपा प्रेम है जो अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य को आजीवन सदस्यता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव कराना थे, चुनाव नहीं हुए। एजीएम में प्रस्ताव पास होना था समय बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ाया गया। अवैध रूप से मैच की वजह से करोड़ों का घोटाला करने के लिए ये सारी साजिश सीईओ रोहित पंडित ने रची। इसका जवाब एमपीसीए के अध्यक्ष को सामने आके देना चाहिए। मुंह छुपा के यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा मामला है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी कि स्टेडियम की क्षमता से 10% टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिए जाएंगे जो खिलाड़ियों को रहेंगे या अन्य एसोसिएशन के सदस्यों को रहेंगे। इसका मतलब है कि 27,500 होलकर स्टेडियम की क्षमता थी तो 2750 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देना थे, लेकिन खांडेकर और राव और सीईओ रोहित पंडित ने 14,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिखाए। इसका क्या मतलब होता है? इतना खुलेआम भ्रष्टाचार, इतना खुलेआम लोढ़ा कमेटी की रिपोर्टों का उल्लंघन, ये दर्शाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट कॉम्प्लीमेंट्री लिखकर ब्लैक में बेचे गए, नेताओं को दिए गए, नेताओं पुत्रों को दिए गए, अन्य कई एमपीसीए के ऐसे सदस्यों को दिए गए जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उसका मुनाफा कमाया गया, वो सीधा मुनाफा पूरा टिकट की कीमत से जेब में गया। अब अगर उसको यह माने कि जीएसटी उसका कहाँ है, अगर उनसे पूछा जाए कि इसका जीएसटी आपने भरा, वो कैश में दिया है, तब कैश में जीएसटी कैसे भरेंगे? तो ये आपराधिक चोरी है। ये केंद्र सरकार की जीएसटी, राज्य सरकार का जीएसटी, उन दोनों की चोरी है। मनोरंजन कर की चोरी है। नगर निगम पर आरोप लगा रहे थे कि नगर निगम टैक्स मांग रहा है, 20% टैक्स मनोरंजन कर बनता है, उसकी पूरी सीधे सीधे चोरी है। तो ऐसी चोर संस्था जो फर्म सोसाइटी से सिर्फ रजिस्टर्ड होकर इतनी बड़ी चोरी कर रही है, सरकार से सुविधा ले रही है और सरकार मौन है और जनता लूट रही है।